नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही बुरी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ इस तरह है कि अभी जो प्रतिमा विसर्जित हुई है माता जी की, उसमें कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला और माता जी की प्रतिमा को ले जा रहे थे विसर्जित करने के लिए, लेकिन रास्ते में बीच में कुछ अराजक तत्वों ने उस भीड़ पर पथराव कर दिया और उस मुठभेड़ में, उस भीड़ पर जो पथराव हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये तो दोस्तों है साधारण सी बात। अब आपको पूरा खबर बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों क्या है कि एक जब प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा था, जुलूस को ले जाया जा रहा था, तो लोग बता रहे हैं कि उसमें नारे वगैरह लग रहे थे और वहाँ से जो रास्ता था वो, वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं और उस रास्ते से लेकर जा रहे थे, नारे से उत्तेजित हो गए मुस्लिम लोग या अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने भीड़ पर पथराव कर दिया। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो इतना कमज़ोर कि उसने, जिसने पत्थर फेंके उसको पकड़ने की जगह भीड़ पर ही लाठीचार्ज कर दिया। और उसके बाद एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने ढूंढा और जिसका नाम है गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, उसको पकड़ा और उसको गोलियां उसके सीने पर उतारी, उसके शरीर में, मतलब ये समझ ली कि 12-13 छेद कर दिए। और इसके बाद ये तो कर लिया, इसके बाद उसके पैर के जो नाखून होते हैं उसको खींचा। आप सोच लीजिए कि किस तरह की बर्बरता करी है उन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ। और उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो एक किसी छत पर गया और उस छत पर एक हरे कलर का झंडा लगा हुआ था, उसने उस झंडे को निकाला और उसमें भगवा कलर का झंडे को लगाने की कोशिश करी गई। ये उसका कसूर था। अब दोस्तों बात ये नहीं समझ में आ रही है, जब उसने झंडा लगाने की कोशिश करी गई, उसने किया, तो उसको क्या गोली मारी जाएगी? मतलब ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा, ये कैसे समझ में आएगा? उसके बाद में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं वहीं जिले की, उन महिला हैं जो, वो कह रही थी कि ये एक मुस्लिम इलाके से निकाल रहा था जुलूस, इसलिए इस बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए थी, उनका मतलब ये सोचना था। अब दोस्तों एक चीज़ ये समझ में, सोचने वाली बात है, क्या संविधान में कहीं कुछ लिखा है क्या कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है? कुछ ऐसा संविधान में लिखा है या पार्लियामेंट में कहीं कुछ डिफाइन किया गया है या कोर्ट ने कहीं कुछ डिफाइन किया है? अगर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, अगर कहीं इसी का उलट हो गया, अगर जैसे ये ढूंढा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो गया, फिर तो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हम लोग किधर ले जा रहे हैं समाज को? हमारी जो सोच है वो जा किधर रही है? अगर हम प्रशासनिक अधिकारी होकर इस तरह की बात करेंगे तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा आपस का होता है, ये सारी बातें आखिर किस साइड जाएंगी? क्या होगा देश के अंदर ये? और ये अचानक से होने क्या लगता है? जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, उसमें कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, विसर्जन यात्रा निकलती है, तो उसमें पथराव होता ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर का कोई जगह हो, जैसे अभी महाराष्ट्र में हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिला था, ऐसा ही साउथ में देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये चीज़ तो बिल्कुल कतई अच्छी नहीं है, इसमें प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो कह दिया है कि दोषी जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही बात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बोली है और उस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी आए, उन्होंने भी बोला कि कार्रवाई की जाएगी। बात इतनी नहीं है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई आप करेंगे इतना तो लोगों को पता है कि आपकी कार्रवाई अच्छे से होती है, प्रदेश में अच्छे से कार्रवाई होती है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन लें? उनकी भी तो सूची बननी चाहिए कि वो प्रशासनिक अधिकारी भी तो हैं जिम्मेदार, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को मजबूती से नहीं निभाया। आखिर किसी इलाके से निकलेगी, इसलिए आपको अगर पता था उस इलाके से शोभा यात्रा निकलेगी तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप उतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं वहाँ पर,
क्या आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते? ये बात तय होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। दोस्तों अभी तो उस व्यक्ति का जो मृतक थे उनका संस्कार कर दिया गया है, अंतिम संस्कार जो होता है। अब दोस्तों इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है, अब ये देखने वाली बात है। अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।